हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PYQ इन 1 मिनट। आज हम CBSE 2023 के अंदर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर से पूछा हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अंदर क्या पूछा था, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि जब पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन और लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया जाता है तो क्या ऑब्जर्वेशन हमारे को मिलता है। साथ में हमारे को इस रिएक्शन का नाम भी बताना है और केमिकल इक्वेशन भी हमारे को लिखनी है। तो जैसे देखो, अगर आप लोग जानते हो तो जो पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन होता है वो कलरलेस सॉल्यूशन होता है और लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन भी कलरलेस सॉल्यूशन होता है। जैसे ही दोनों को मिलाया जाता है तो येलो कलर का एक प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है जो कि बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है, और बॉटम में सेटल डाउन हो गया इसलिए इसको PPT यानी कि प्रिसिपिटेट बोला जाता है, और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट हमारे को सॉल्यूशन के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पे हम पहला ऑब्जर्वेशन तो ये देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन पूछा है येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, ध्यान रखना लेड आयोडाइड का येलो प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा। दूसरी चीज, इसमें रिएक्शन हमने लिख दी। अब यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखो, के वाला जो आयन है वो NO3 के साथ आ गया और PB आयन है वो I के साथ आ गया। यहाँ पे आयन्स का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, और जब आयन्स का एक्सचेंज होता है तो ऐसी रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और साथ में एक चीज और ध्यान रख सकते हो कि इस रिएक्शन में प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो इसलिए इस रिएक्शन को हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये रिएक्शन प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहलाएगी। आई होप आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरीके के और 1 मिनट PYQs देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।